सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज हम दो फोन्स के बारे में बात करेंगे, Xiaomi 11i Hypercharge और Vivo V23 5G। और सबसे पहले इन दोनों फोन्स के कैमरास के बारे में बात करेंगे। Xiaomi 11i Hypercharge आपको देता है 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और Vivo V23 5G आपको देता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, यानी कि काफी ज्यादा रेजोल्यूशन बेटर है Xiaomi 11i Hypercharge का। लेकिन ज्यादा मेगापिक्सल होने से लो लाइट परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। मतलब कि Xiaomi 11i का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, लेकिन इसका एवरेज परफॉर्मेंस है, जैसे कि इस प्राइस रेंज में मिलने वाले फोन्स का होता है। लेकिन Vivo V23 5G के 64 मेगापिक्सल से बेटर रह सकता है Xiaomi 11i Hypercharge का मेन कैमरा, क्योंकि उसमें आपको 6P लेंस भी मिल जाता है। लेकिन जैसे आप फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, 60 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा मिलता है आपको Xiaomi 11i Hypercharge में, और Vivo V23 5G आपको देता है 50 मेगापिक्सल का, यानी कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला सेल्फी कैमरा अब तक का। और दोस्तों देखने वाली बात है कि जिस प्राइस रेंज में Xiaomi 11i Hypercharge मिल रहा है, उस प्राइस रेंज में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मुझे थोड़ा कम रेजोल्यूशन वाला लगा। और अगर आप रियर कैमरा से वीडियो बनाते हैं Xiaomi 11i Hypercharge में, तो ये आपको 4K 30fps तक का ऑप्शन देता है, यहाँ तक कि सेल्फी कैमरा में आपको सिर्फ फुल HD का ऑप्शन ही मिलेगा। और अगर आप 60p पे वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मेन कैमरा से आपको फुल HD में 60fps का ऑप्शन मिल जाएगा Xiaomi 11i Hypercharge में। और वहीं Vivo V23 5G का 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का 105 डिग्रीज का वाइड एंगल कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं। और वहीं Vivo V23 5G आपको मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों पे ही 4K 30fps का ऑप्शन दे देता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों ही कैमरास में आपको मेन कैमरास 4K 30fps के साथ ही मिल रहा है, और मेन कैमरा में Xiaomi 11i Hypercharge आपको दे रहा है 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा 6P लेंस के ऑप्शन के साथ। तो यहाँ सेल्फी कैमरा में Vivo V23 5G काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन Xiaomi 11i Hypercharge मेन कैमरा में काफी अच्छी टक्कर दे रहा है Vivo V23 5G। और अगर दोस्तों दोनों ही फोनों में प्रोसेसर की बात की जाए, तो दोनों ही फोन आपको MediaTek Dimensity 920 का चिपसेट देते हैं, यानी कि स्पीड ऑलमोस्ट सेम रह सकता है। लेकिन Vivo V23 5G आपको देता है Android 12 का सपोर्ट, और Xiaomi 11i Hypercharge आपको देता है Android 11 का सपोर्ट। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है Vivo V23 5G को बिकॉज ऑफ Android 12 का सपोर्ट। लेकिन देखने वाली बात यह कि Xiaomi 11i Hypercharge में आपको मिलता है एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड का ऑप्शन, और Vivo V23 5G में आपको नहीं मिलता एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन। और अगर दोस्तों दोनों ही फोनों में नेटवर्क की बात की जाए, तो दोनों ही फोन आपको 7 से 8 5G नेटवर्क का सपोर्ट भी दे रहे हैं। और दोस्तों जहां तक बात आती है लुक्स की, तो Vivo V23 5G आपको बैक पैनल के कलर चेंजिंग का ऑप्शन देता है अगर आप गोल्डन कलर में Vivo V23 5G लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वेट की बात करते हैं, तो Xiaomi 11i Hypercharge 210 ग्राम्स के आसपास है, और Vivo V23 5G 180 ग्राम्स के आसपास है, यानी कि लाइट वेट है Vivo V23 5G। और जहां Vivo V23 5G आपको देता है कलर चेंजिंग का ऑप्शन और साथ में मेटल का फ्रेम, वहीं Xiaomi 11i Hypercharge आपको है स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो Xiaomi 11i Hypercharge देता है आपको, वो है इसमें मिलने वाला 120 वॉट का Hypercharge का ऑप्शन, जिससे कि आपका फोन 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज हो सकता है। वहीं Vivo V23 5G आपको देता है 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिससे कि आपका फोन 30 मिनट के अंदर 60% तक चार्ज हो सकता है, जैसे कि कंपनी क्लेम कर रही है। Xiaomi 11i Hypercharge में आपको मिलता है 4500mAh की बैटरी, Vivo V23 5G में आपको मिलता है 4300mAh की बैटरी, यानी कि दोनों फोनों का बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन Xiaomi 11i Hypercharge आपको देता है 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और अगर दोस्तों स्क्रीन की बात की जाए, जो काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, Vivo V23 5G का स्क्रीन है 6.44 इंचेस का, और Xiaomi 11i Hypercharge का स्क्रीन साइज है 6.67 इंचेस का। दोनों ही फोन आपको AMOLED डिस्प्ले दे रहे हैं, लेकिन Vivo का फोन आपको दे रहा है 409 पिक्सल पर इंचेस का स्क्रीन, और Xiaomi दे रहा है आपको 395 पिक्सल पर इंचेस का डिस्प्ले। दोनों ही फोनों में आपको फुल HD प्लस का स्क्रीन मिल जाता है, लेकिन Xiaomi 11i Hypercharge आपको देता है 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, और Vivo V23 5G आपको देता है 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। लेकिन Vivo V23 5G आपको देता है 1300 निट्स का स्क्रीन पीक ब्राइटनेस, और Xiaomi 11i Hypercharge आपको देता है 1200 निट्स का स्क्रीन पीक ब्राइटनेस, यानी कि दोनों फोनों के प्रोसेसर और स्क्रीन काफी कॉम्पिटिटिव है और काफी
काफी अच्छे फीचर्स के साथ। और दोस्तों अगर आप दोनों फोन्स के प्राइस के बारे में बात करें तो Xiaomi 11i Hypercharge आपको मिल सकता है 27,000 रुपए के आसपास 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के वेरिएंट के साथ। और वहीं Vivo V23 5G में आपको ज्यादा रैम का ऑप्शन है की 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आपको मिल सकता है 30,000 रुपए के आसपास 29,990 रुपए का। और वहीं Vivo V23 5G आपको मिल सकता है 29,990 रुपए के आसपास 8GB 128GB की इंटरनल मेमोरी के साथ। और वहीं 12GB 256GB के साथ आपको मिल सकता है 35,000 रुपए के आसपास। तो दोस्तों Vivo V23 5G का प्राइस 1,000 रुपए ज्यादा है Xiaomi 11i Hypercharge से अगर आप 8GB 128GB के वेरिएंट को देखते हैं। लेकिन Vivo V23 5G के लिए आपको 12GB और 256GB का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि आपको मिल सकता है 35,000 रुपए के आसपास। और दोस्तों एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि दोनों ही फोन काफी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन अगर आपके लिए सेल्फी कैमरा इंपॉर्टेंट है और लुक्स इंपॉर्टेंट है तो Vivo V23 5G आपको काफी अच्छे लुक्स और काफी अच्छे सेल्फी कैमरे की फीचर्स दे रहा है। लेकिन Xiaomi 11i Hypercharge आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इस तरह से Xiaomi 11i भी वैल्यू फॉर मनी है। और दोस्तों बाकी फीचर्स मैंने बता दिए आपको, आप खुद डिसाइड करिए कौन सा फोन बेस्ट रह सकता है आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।